अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। चलिए आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट, इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें उसने आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, छोटी सी सपोर्ट ही आप लोगों की तरफ से चाहिए होती है। आज का व्लॉग जो है थोड़ा सा लेट हो गया, बिकॉज़ ये 27 रजब का व्लॉग है। ये रास्ता है सर, जबकि जो रात होती है उस रात को इबादत की, और ये हाथी बात करें वज़ू वगैरह की, हाथी को दर्द था छाती में, तो इसलिए मैंने ये चेस्ट पेन था, तो इसलिए मैंने ये अंडा बॉयल कर दिया, कहवा दिया, कफ हो रही थी फीवर, तो फिर कि ठीक हो जाए। फिर मैं नमाज रात के स्टार्ट करने लगी थी, बिकॉज़ रात को इबादत करनी पड़ती है, वो इबादत की। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है जो इस रात को हम पर नाजिब फरमाया, हमें नसीब फरमाया, बिकॉज इस रात इबादत करें तो 1000 रातों से बेहतर वो इबादत होती है। मैंने की फिर हादी देख रही थी, वो भी साथ, हादिया को भी दिखाती हूँ, ये हादिया भी बच्चे कॉपी करते हैं ना, तो मेरी हादिया तो बहुत ज़्यादा कॉपी करती है जो हम काम कर का रहे हैं वो वाला। ये भी कहती है मुझे मसल्ला दो, ये दो, वो दो, फिर उसे दिया। वो नमाज साथ पढ़ रही थी माशाल्लाह, और ये सिस्टर्स भी सारी पढ़ रही थी। नेक्स्ट डे रोज़ा रखना था, इसलिए हम रात को जल्दी ही सो गए, बट हादी हद से ज़्यादा तंग कर रही थी कि मुझे ये करके दो, मुझे वो करिए, देखें प्रॉपर नमाज पढ़ती है जैसे हम करते हैं, सब अमल करती है उस पर। फिर रात को तेरे वाक़ा लाजमी पढ़नी होती है, वो पढ़ी। उसके बाद हस्बैंड आ गए, वो वायर लेके आए, फ़ोन के वायर ख़राब थी, और ये सब कुछ लेके आए। मुझे भी पेस्ट्रीज बहुत पसंद है, केक भी पसंद है, बट जो पेस्ट्रीज होती है बहुत से ज़्यादा। ये लेके आए थे हादी के लिए, हम सब के लिए, चारों बहनें होती हैं, तीनों बहनें होती हैं, चार जो होती है तो शादी हुई, और सेकेंडली हादी, और फिर एक पापा को देने लगी थी बिकॉज उन्हें आवाज़ आ चुकी थी, और वो तो ये भी उठाऊंगी नहीं, और ये इन्हें देने लगी थी माशाल्लाह। ये मेरे पापा है तो शुगर के मरीज़ हैं, बट ये चीज़ खाने से नहीं साइड पर हटते हैं। शुगर का मरीज़ हमेशा शुगर वाली चीज़ ही खाना पसंद करते हैं। ये फिर दूध वगैरह लेके आए थे, वो बॉयल करने लगी थी, सालन था और रोटियाँ वगैरह थी। फर्स्ट जैसे जो व्लॉग देख रहे उन्हें पता होगा कि हमारा खाना होटल से ही आ जाता है, तो फिर हम नहीं बनाते, ये वही गर्म करने लगी, सालन वगैरह गर्म करके लेके जाऊँगी, एंड और रोटियां वगैरह भी गर्म करूँगी। वो क्या गर्म करनी होती हैं, गर्म गर्म है। ये सारा सालन रोटी अंदर लेके जा रही थी, आज मीट था खाने में। उसके बाद ये मैं सुबह फजर के टाइम का शेयर कर रही हूँ सहरी से पहले, फिर मैंने कहा जल्दी उठ गई थी तो चलें तहज्जुद ही पढ़ लेते हैं, और ये मैं तहज्जुद पढ़ने लगी थी। उसके बाद मैंने सहरी बनानी थी तीन बंदों के लिए, हम तीन बहनें थी। ये देखिए रात का टाइम था, 3:30 बजे उठी थी, तो ये किचन रात क्लीन किया था इसलिए इजी थी, सारा किचन क्लीन था माशाल्लाह। अगर रात को ना क्लीन करती तो सुबह बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो जानी थी, मुश्किल एक और आ पड़ी, बिकॉज़ जब मैं बना रही थी, देखिए मैं चाय सबसे पहले रात को जो दलिया बनाया था ना, वो मैं थोड़ा खाने के बाद स्वीट था, ये देखें गैस खत्म हो गई, शुक्र है वो छोटा सिलेंडर बनाया हुआ था वही ले आई, और ना सहरी होनी थी फिर। रात को मैंने आटा भी गूंद कर सब क्लियर करके रख दिया था, ये अभी मैं रोटियां बनाऊंगी। छोटी सिलेंडर नहीं, उस पर भी बहुत टाइम लगा, बिकॉज उस पर बहुत से ज़्यादा टाइम लगता है। ये मैं रोटियां बनाने लगी थी, सिस्टर्स दोनों ने पराठे खाने थे, बट मैं वैसे तो खा लेती हूँ, बट रोज़ में हमेशा सादा रोटी, उसे प्यास नहीं लगती, प्यास तो वैसे अभी भी नहीं लगती बिकॉज सर्दियों के रोज़ हैं, अभी सर्दियाँ हैं। उसके बाद ये ना मुझे अंडा भी डालते हैं प्याज और टमाटर, बट ऐसा मुझे पसंद है एक सब्ज़ मिर्च और प्याज और टमाटर, और बस ये जैसे मैं बना रही थी, मेरा दिल किया सालन भी था बट वो नहीं, सिंपल रोटी के साथ ये मैंने खाना था। ये भी बताती हूँ, देखिए मैंने खुद अपने लिए जैसे बन गई सादा रोटी बना ली, बिकॉज़ का ये मलाई वाली चाय और साथ ये वाला सालन, ये मेरी सहरी थी, अल्लाह पाक का शुक्र है जो इस काबिल भी हमें समझा। उसके बाद ये नमाज पढ़ी, कुछ सूरतें वगैरह पढ़ी और कुरान पाक वगैरह पढ़ा, इसके अलावा कुरान पाक पढ़ा सुबह सहरी के टाइम। उसके बाद फिर मैं रेस्ट करने लगी, वैसे कहते हैं कि सहरी के टाइम सोते नहीं हैं सहरी करके, बट फिर भी रात की उठी हुई थी, नींद आई हुई थी। उसके बाद ही सुबह का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, उस दिन का रोज़ा रखा हुआ था, पापा को पहले चाय और रस दी, इनका नहीं था रोज़ा, ये इनका बीमार है तो इसलिए इन्हें चाय और रस दी,
ये फर्जी रोज़े थोड़ी होते हैं, ये नफरी रोज़े होते हैं। ये रात को मैं सहरी के टाइम नहीं बर्तन वॉश किए थे, सहरी वाले थे तो इसलिए सुबह, अगर मैं उस टाइम वॉश कर दी थी सुबह नहीं होने थे, काम शाम किया, सारे काम किए, उसके बाद ये मैं बर्तन वॉश करने के, सारे बर्तन मैंने वॉश किए। नफली रोज़े कुछ कुछ लोग रखते हैं और जो फर्जी होते हैं वो हर कोई रखता है। नफली रोज़े का स्वाब भी फर्जी से ज़्यादा ही होता है, इक्वल रन ही होता है। वो नफली होते हैं कि इंसान अपने लिए रखता है, फर्जी जो होते हैं वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रखता है इसलिए। बट मैं रखती हूँ, हदिया फीड करती है फिर भी मैं रखती हूँ। बर्तन वॉश कर रही थी, उसके बाद जल्दी काम ख़त्म हो गया था, इतना काम नहीं था बिकॉज़ रात को सबसे ज़्यादा क्लीन करके ही सोई थी। इसके अलावा यह हदी फ़ोन पे लगी हुई थी, है तो अच्छी बात नहीं है, बट ये बच्चे बैठे रहते हैं तो इजी हो जाता है माओ के लिए कि वो काम कर लेती हैं। मेरी दादू आई हुई थी, पापा के पास बैठी हुई थी, पापा को फिर मैं सेब काट के दे रही थी, फिर सेब खाया, दलिया वगैरह मैं खिला चुकी थी ना, वैसे ही बैठे होते हैं तो फिर बंदा खिला देता है। उसके अलावा ये पापा के ड्रेस को चेंज किया, हादी को बिस्किट खोल के दे थे, उसके बाद दादू को खाना बना के देने लगी थी कि घर को ही नहीं था, फिर मैंने जाके खाना बना के दिया उन्हें। सालन था नहीं साथ, तो उनके घर गई थी साथ ही अगर, तो दादू को बना के दिया पहले रोटी। आप कहेंगे इसे रोटी बनानी नहीं आती, ये मोटी रोटी है ये वो, कुछ लोग होते हैं बीच में, बट ये मोटी रोटी नहीं थी बिकॉज ये बूढ़े बंदे यही रोटी खाते, उनसे पतली रोटी नहीं खानी होती ना। और साथ में उन्होंने पापा के भी बना के ले आई, दादा ने कहा पापा के बना लो, फिर पापा के बना के लेके गई, उन्हें अभी खुद खिलाऊंगी, खुद ही खा सकते खुद खिलाऊंगी। इधर मेरी जूती भी टूट गई थी अगर मैं दिखाऊँ तो। फिर खाना खिला के पापा को, फिर नमाज का टाइम हो गया, जहर की नमाज वो पढ़ने पढ़ने लगी। इसके बाद ये ना आज इंशोर दूध लेके आए थे तो इसलिए अब ये पापा को बना के देने लगी थी। इसके साथ मेडिसन अब खिलाया करेंगे, एक और दूध दूध ये पहले पीते होते थे खुश्क टाइम, नाम मुझे याद नहीं है बट फिर इससे इतना फ़र्क नहीं, बट अब किसी ने कहा कि इंश्योर दूध ही नहीं पिलाया करें तो वो अब मैं उन्हें बना के मेडिसिन खिलाऊंगी। उसके अलावा ये हस्बैंड सालन, दिन को वैसे हमने रोज़ा रखा था पता था नहीं, फिर भी सालन रोटियाँ लें, फिर हमने शाम को नहीं था सालन वगैरह मंगाया बिकॉज दिन का ही पड़ा हुआ था, ये मैं फ्रिज में रखने लगी थी बिकॉज हम तीनों बहनों का तो रोज़ा था और पापा तो ये सालन रोटी खाते नहीं हैं तो इसलिए किसी ने नहीं था खाना। यह दूध इंश्योर दूध का डब्बा पड़ा हुआ, ये फीड करने वाली माएँ भी पीती हैं अक्सर, ये वाला मिल्क अच्छा होता है ये। उसके अलावा ये भी पापा को मेडिसिन वगैरह खिलाने लगे थे, सुबह के वक्त नहीं थी खिलाई तो फिर ये दिन के टाइम में उसे दूध के साथ खिलाने लग पड़े। उन्होंने फीड भी कर लिया, अब फिर सहरी की तैयारी शुरू कर दी जल्दी शुरू नहीं अफ्तारी की सॉरी अफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी जल्दी शुरू कर दी बिकॉज तीनों बहनें थी हो गया काम। ये मेरी सिस्टर काट रही थी, मैं नहीं थी काट रही, मैं क्यों कहूँ मैंने थी काट, मेरी सिस्टर काट रही थी सेब वगैरह फ्रूट्स जो फ्रूट्स फ्रूट सैलड में डाल जाता, बट अपनी मर्ज़ी आपका जो दिल करे वैसा बनाए, हर बंदे का अपना मन होता है। हमारा जिस टाइप का था हमने वो बना दिया, वैसे कुछ गर्मी में खाना भी बनता है बट हमें खाना नहीं पसंद, रमज़ान में जस्ट इफ्तारी खाने वो ही बहुत होता है। ये अभी मैं पकौड़े वगैरह काट रही थी निकाल रही थी, मसाला मैंने बना लिया था पकौड़ों का, ये अभी साथ ही मैंने ये चावल रख दिए। कितनी रेसिपीज़ कितनी बार बता रही हूँ इसलिए इसके क्या बताने रेसिपी, वही आलू वाले चावल बनाने लगी थी बिकॉज हमारा दिल खा रहा था रायता और ये रोटी वगैरह नहीं थे खाने, ये रेसिपी क्या बतानी वो कहूँगी मैंने बताया हमारे घर शायद ये चीज़ें बनती रहती हैं इसलिए मैं इसमें कोई स्पाइसेस नहीं डालूँगी, थोड़ी सी ही डालूँगी जो भी डाली, बाकी मसाले वाले पैकेट जो होते हैं ना यही डालूँगी। मैं साथ पकौड़े बना रही थी, राइस थे रायता था और खजूरें नहीं थी बिकॉज अभी रमज़ान स्टार्ट नहीं हुआ ना, रमज़ान स्टार्ट हो तो खजूरें हैं। अभी ये देखिए मैंने जैसे काटा, मैंने जस्ट अमरूद और केला सेब डाला, उसके बाद शुगर डाली थोड़ी सी और साथ ही ये चीनी डाली, गरम मसाला डाला,
नहीं, गरम मसाला इसमें कब डलता है, सॉरी फटाफट चाट मसाला एंड थोड़ा सा नमक बिकॉज बैलेंस हो जाए मीठा वगैरह। ये मेरी सैलड तैयार थी, फ्रूट सैलड। उसके अलावा ये बना रही थी रायता बना रही थी। ये मैं जस्ट फ्रूट कुछ रख के ना इसे काट रही थी बिकॉज किसी स्पाइसी चीज़ से रोज़ा इफ्तार नहीं करने होता, साफ इसके साथ से इफ्तार कर लेंगे, इसलिए छोटा छोटा काट रही थी। ये जस्ट फ्रूट था। और आज जो पकौड़े मैंने बनाए थे बहुत से ज़्यादा मज़े के थे बिकॉज उसमें ज़्यादा मैंने ग्रीनरी ऐड की थी। घर की पालक थी, धनिया भी था, पुदीना भी था, और साथ में लहसुन और प्याज के तो ऊपर धनिया तने सब सब वो काट के डाली थी। आज के हद से ज़्यादा मज़े। उसके बाद ये चटनी बनाई जिस चटनी रायता बनाया जैसे ज़ीरा पाउडर डालते हैं, ये चटनी मैंने ग्राइंडर में डाली थी इसलिए इसका कलर ऐसे लग रहा होगा। इसमें ज़्यादा चीज़ पुदीना वगैरह चला गया था तो इसलिए ये ग्रीन ज़्यादा ज़्यादा हो गई थी, बट वो हो जाती है सब चटनी बन जाती है सब इसका लगे। अभी मैं रायते में डाल लेगी थोड़ा थोड़ा, इसमें प्याज था, टमाटर थे, खीरे थे, नमक था और चाट मसाला ज़्यादा सा। ये आडिस ऑर्डर हो गया, आंटी छोटी थी तो, और ये चावल ज़्यादा थे इसलिए ये डिसऑर्डर हो गया, इम्बैलेंस हो गया। उसके अलावा ये रायता बन गया था, वो थोड़ा सा रख दिया कि हस्बैंड को बना के दूंगी रात को। ये फिर रायता बन गया था, जो पकौड़ों का मसाला रखा था, हस्बैंड आएंगे उनको फ्रेश बना दूंगी। वे रख तो वैसे भी सकती थी बिकॉज वो ज़्यादा टाइम की हो जाती तो फिर जब हस्बैंड आते टाइम ज़्यादा हो जाना था। ये चटनी बन गई और ये जो फ्रूट सैलड था, केचप भी थी थोड़ी सी साथ। और ये मैं फ्रूट ये प्लेट बनाने लगी थी, दादू के घर देने जा रही थी इसलिए ये प्लेट वो बनाई थी साथ ही है ना घर, तो फिर थोड़ी थोड़ी। और इसके बाद ही मैंने बर्तन पहले ही वॉश कर लिए थे बिकॉज सुस्ती हो जाती है रोज़ा इफ्तार करने के बाद। ये बर्तन जब मैं वॉश कर रही थी उस वक्त टाइम अराउंड 5 मिनट रह गए थे, बट मैंने कहा नहीं, अगर मैंने रोज़ा अवतार कर लिया उसके बाद इतना बैलेंस नहीं हो पड़ेगा। प्यास तो नहीं लगती बिकॉज ये सर्दी का रोज़ा था, भूख थोड़ी थोड़ी फील हुई, बट चाय की ज़्यादा कमी फील हुई थी अपने अंदर हद से ज़्यादा। चाय टी लवर्स को पता होगा कि कितनी वो पता नहीं क्यों और इम्बैलेंस हो जाता है बंदा, इसलिए फिर मैंने कहा नहीं पहले बर्तन धो लेती हूँ फिर रोज़ा अफ्तार करूँगी। एग्जैक्ट जब मैंने बर्तन एंड हुए उसी वक्त रोज़ा अफ्तार हुआ था और किचन भी मेरा क्लीन हो गया था। ये भी बहुत अच्छी बात, इसके बाद मैं भी दिखाऊँगी। अल्लाह पाक हर किसी का दस्तरखान ऐसे आबाद रखे, अल्लाह पाक का हज़ारों करोड़ों बार भी इंसान शुक्र अदा करे तो वो शुक्र अदा नहीं हो सकता जो अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज़्यादा नियामतें अता फरमाई। और राइस भी रेडी होगी तो आपको पता है ऐसे ही हम खाते हैं। अब कुछ कमेंट आ जाएंगे कि ज़्यादा ये थे वो थे, कौन सा हमने किसी को पेश करने थे, खुद ही खाने थे या दादू घर भेजने थे या कोई हमसाई को प्लेट देनी थी, या हमने खुद ही खाने थे। हैर होती है ऐसे चावलों की, जो इंसान को पसंद होता है वही बनाता है, किसी के ऊपर इंसान डिपेंड करने पड़ जाए ना तो फिर इंसान का कुछ ना रहे। इस दुनिया में अपना कुछ नहीं बना सकता, जब रिस्क इंसान के हाथ में चला जाए ना फिर बहुत ही बुरे दिन समझो आ जाते हैं। ये ना वो चटनी बनी थी वो भी ऊपर डाली, ये सैलड रायता डाला, हद से ज़्यादा मज़े का ये सीन हो गया था। और इसके बाद ये दलिया जो मैंने दिन को बनाया था सुबह, नहीं दिन को नहीं कहा रात को वो पड़ा था, वो मैंने खाया बिकॉज सुबह सारी याद नहीं रही। हस्बैंड की प्लेट थी, उन्होंने पकौड़े वगैरह सब ऐड करवा लिए थे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, स्टे कनेक्टेड।